हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर पंकज और इस वीडियो में हम फिर से कुछ एन बेस्ड एक्सक्लूसिव एम देखेंगे जो कि आने वाले नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो पहला एम है कि सेमिनीफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन तो सेमिनिफेयरस टिब्यूल जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं तो आप सबको ये बात पता है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती हैं वो टेस्टिस के अंदर होती हैं जो ह्यूमन टेस्टिस होता है उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं और उसमें भी कहाँ होती हैं तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन है प्रोस्टेट नहीं एपिडिटाइमिस में भी नहीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हाँ जी ये जो थर्ड ऑप्शन है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यही इसका राइट आंसर है तो आपको पता होना चाहिए कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती हैं वो टेस्टिस के अंदर होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक बात हमेशा याद करना टेस्टिकुलर लोब नहीं होता लोब्यूल्स होते हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं यह एक डायग्राम है तो ये आ, मैंने कल भी बताया था कि जो टेस्टिस की जो शेप होती है ओवल शेप्ड होती है और टेस्टिस जो होता है बहुत सारे सेगमेंट्स में बटा होता है जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और उन्हीं लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं और हमने कल भी देखा था कि एक लोब्यूल के अंदर लगभग एक से तीन टेस्टिक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर लाइंड बाय मतलब कि अगर कोई सेमिनिफेरस टिब्यूल है तो कौन कौन सी सेल हैं जो उसके चारों तरफ रहती हैं तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन है मेल जर्म सेल मेल जर्म सेल दूसरा ऑप्शन है सर्टोली सेल तीसरा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ डीज तो देखिए जब भी किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ डीज का कोई ऑप्शन आ, आ जाए किसी एम में तो उसको सीरियसली सारे ऑप्शन को देख लेना चाहिए तो यहाँ पे देखो मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया ये एक ही बात है तो मेल जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं ओके तो और दूसरा एक रह गया सर्टोली सेल तो जो सेमिनीफेरस टिब्यूल है उस उन उसको ये सारी सेल कवर करती हैं हम आगे एक डायग्राम में देखते हैं कि ये देखिए ये हमारा सेमिनीफेरस टिब्यूल का डायग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ये सेमिनीफेरस टिब्यूल के चारों तरफ कौन कौन सी सेल्स हैं तो एक तो है इसके अंदर ये सर्टोली सेल ये बड़ी वाली सेल जो है ग्रेइश कलर की सर्टोली सेल है उसके बाद है स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनियम मतलब कि मेल जर्म सेल ये जो हैं ये जो ग्रीनिश सी हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम और तो आपके पास दोनों तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसको जो लाइंड करती हैं उसमें मेल जर्म सेल भी होती हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और सर्टोली सेल्स भी होती हैं तो इस इस एम सी का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज वाले जो एम आते हैं उनको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए उसके हर ऑप्शन को नेक्स्ट टाइम से क्यों है फंक्शन ऑफ मेल जर्म सेल मेल जर्म सेल मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन क्या होता है तो देखो जो जो भी सेल जो जर्म सेल होगी ना जर्म सेल हमेशा क्या करती है गैमिट्स को प्रोड्यूस करती है तो अब मेल है तो मेल जर्म सेल क्या बनाएगी जो हमारे ह्यूमन गैमिट्स होते हैं जिनको हम लोग स्पर्म बोलते हैं तो जो मेल जर्म सेल है उसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स स्पर्म का फॉर्मेशन ही उसका फंक्शन uh, होता है और ये सब एम को अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं नहीं लगना चाहिए इन सब एम के आंसर टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें आपको आंसर याद होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ द मेल जर्म सेल इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पम तो इसका आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टीज आर कवर्ड बाय तो टेस्टीज को कौन कवर्ड करता है तो अगर मैं बिना ऑप्शन देखे भी समझू तो मुझे पता है कि ट्यूनिका एल्बुजीनिया होती है जो उसको कवर करती है अब देखते हैं ऑप्शन क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन है अथिन कवरिंग अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग अ डेंस कवरिंग नन तो ये जो होती है ट्यूनिका एल्बुजीनिया ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक डेंस कवरिंग होती है तो इसका आंसर होगा सी जो टेस्टिस की जो कवरिंग होती है वो एक डेंस कवरिंग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पम तो ये एम भी इसका भी आंसर आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि स्पर्म्स को कौन सी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसका आंसर होता है सर्टोली सेल सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं तो इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल कॉल्ड मतलब ये बात करने की जो सेमिनी फेरस टिब्यूल हमने डायग्राम देखा था कि ये सपोज करो डायग्राम है सेमिनी फेरस टिब्यूल है ये जो बीच में जो है ये ये सारी की सारी सेमिनी फेरस टिब्यूल है एक टिब्यूल ये हो गई एक टिब्यूल ये हो गई एक टिब्यूल ये हो गई एक टिब्यूल ये, ये, ये हो गई और बीच में जो रेड वाला जो एरिया है पिंक वाला जो एरिया होता है वो इसी इसी रीजन की बात कर रहा है कि सेमिनी फेरस टिब्यूल के बाहर की तरफ कौन सा एरिया होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशल स्पेस मतलब सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल होती हैं उनके आउटसाइड क्या होता है इंटरस्टीशल स्पेस मतलब अगर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल है एक ये रही एक ये रही एक ये रही तो इनके बीच में जो खाली एरिया होगा जिसमें कुछ सेल्स होती हैं कुछ ब्लड वेसल होती हैं उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल एरिया इवन मेडिकल साइंस के अंदर अगर कोई भी दो तीन सेल हैं उनके बीच में जो एरिया होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस ही कहा जाता है तो इसका आंसर होगा आपका सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरस्टिशल स्पेसेस इन टेस्टिस कंटेन के अभी हमने जो समझा कि इंटरस्टीशल स्पेस जो होता है टेस्टिस के अंदर उसके अंदर होता क्या क्या तो है तो ऑप्शन ए है ब्लड वेसल ऑप्शन दो है इंटरस्टिशल सेल ऑप्शन सी है लिडिक सेल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज तो ये फिर से एक ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन है तो इसको सीरियसली लेंगे देखिए ब्लड वेसल बिल्कुल होती हैं आपको ये बात एन में साफ साफ लिखी हुई है इंटरस्टिशल सेल्स भी होती हैं लिडिक सेल जहाँ और इंटरस्टिशल सेल्स जो होते हैं उन्हीं को लिडिक सेल बोलते हैं तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा डी ठीक है तो ये ये डायग्राम आपको याद रखना है देखिए डायग्राम की हेल्प से मैं बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी में याद हो सकती हैं उनको रटने की जरूरत नहीं होगी ये एन का ही डायग्राम है और इसको आपको एकदम दिमाग में एकदम बसा लेना है तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो